अंडरस्टैंडिंग का संदरा संदरा को थोड़ा सा मुझे इधर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक हमारा इसी के ऊपर है। कसंद्रा बेसिकली व्हाइट पेपर्स के मुताबिक एक की वैल्यू स्टोर है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड की वैल्यू स्टोर, जो कि फेसबुक की तरफ से रिफाइन किया गया है। क्रिएट भी इसको फेसबुक के डेवलपर्स ने किया है, हिस्ट्री कुछ इस तरह की है। फिर इसको ओपन सोर्स कर दिया गया, इसका जो लाइसेंस है वो अपाची को दे दिया गया। अभी ये अपाची कसंद्रा के नाम से जो है ना मार्केट में अवेलेबल है, और एक्चुअल पर्पज इसका बिग डाटा को टैकल करना था। बिग डाटा चैलेंजेस को अच्छे से रिजॉल्व करने के लिए जो कैसंद्रा है वो मार्केट में लाई गई। इसका जो मेन फीचर था, ये कॉम्प्लेक्स लेवल के जो टेबलर फॉर्म है उसको ये कवर करता है, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसे हैंडल करने में नाकाम रहे हैं। दूसरा इसका मेन फीचर ये था कि हाईली अवेलेबल, यानी इसका जो डाटा स्टोर है वो हाईली अवेलेबल है, कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि आपको कभी भी जब भी आप इसके ऊपर क्यूरी जाती है तो ये फेलियर नहीं आता कि आपकी डेटाबेस जो है ना वो डाउन हुई हुई है, ये सर्वर डाउन है। इस तरह के जो इश्यूज थे उसको कवर करने के लिए, जब डाटा भी हमारे पास ह्यूज लेवल का हो। उसके अलावा एप्लीकेशन ये अपने प्री बिल्ड साथ में लेके आया है, कि एप्लीकेशन कंटेनर्स जो है ना इसके साथ रन होते हैं। जीत कसंद्रा की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से ये है कि जो डिवेल्प की गई है जावा वन के अंदर डिवेल्प की गई है। कसंद्रा एक फुली डिस्ट्रीब्यूटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि बेस करता है टू कोर टेक्नोलॉजीज के ऊपर। ये लाइनर स्केलेबल है, इट मींस कि ये 1 सेकंड के अंदर कोई 1 लाख ट्रांजेक्शन जो है एग्जीक्यूट कर सकता है, इस तरह की इसकी कैपेसिटी है।